नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे की सब्जी। इसे खाना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर आप एक बार मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो सब लोग मांग मांग कर खाएंगे। बिना टमाटर के बनाएंगे हम, लहसुन अदरक भी नहीं डालेंगे इसमें, बहुत कम मसालों से इसे तैयार करेंगे हम। को मेरे इस तरीके की टिंडे की सब्जी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। तो आइए बनाते हैं टिंडे की सब्जी। तो हमने यहाँ पर लगभग 500 ग्राम टिंडे लिए हैं, अच्छे से धुल लिए हैं साफ़ करके। अब इनको छीलेंगे, इन्हें काटेंगे और मैं तो मीडियम साइज में काट रही हूँ और आप आपके हिसाब से काट लें। कट के तैयार हैं और इनमें जो कड़क बीजे थे वो हमने हटा दिए हैं और सॉफ्ट वाले बीजे रख लिए हैं। एक कढ़ाई ले ली है हमने और उसमें 2 चम्मच ऑयल को डाल दिया है। अब इसमें हम टिंडे फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम टिंडों को अच्छे से चलाते हुए 60 से 70% तक कुक करेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाएंगे और चेक करते जाएंगे कि हमारे टिंडे पके कि नहीं। अच्छे से चलाते हुए इसे सेलो फ्राई करेंगे, इससे इन टिंडों का बहुत अच्छा स्वाद आता है। एक बार आप ज़रूर बना के देखें। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. हमारे टिंडे अब पक चुके हैं और हम इन्हें एक प्लेट में ऑयल को बचाते हुए निकालेंगे। Against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. हमने सारे टिंडे निकाल लिए हैं। अब करते हैं तड़के की तैयारी। जो बचा हुआ ऑयल था उसी में 1 चम्मच जीरा डालेंगे। हमने प्याज को पीस के ले लिया है, उसे अब डालेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी, आपको जितनी पसंद हो, 3 हो, कम हो तो थोड़ी कम कर दें, ज्यादा हो तो एक और। प्याज को चलाते जाएंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। प्याज को थोड़ा सिकने के बाद इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 हरी मिर्चियाँ ली हैं। प्याज को ब्राउन होने तक अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। जब तक हमारी प्याज सिक रही है तब तक हम करते हैं मसाले की तैयारी। यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे ताकि मसाले फूल जाएं अच्छे से। अब हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है और हम उसमें ये मसाला डालेंगे। मसाले को अच्छे से मिलाएंगे और चलाते हुए इसे भूनेंगे। इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक इसका रेड कलर ना आ जाए।
हमारी ग्रेवी के छींटे ना आए इसलिए हम इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। हमारी ग्रेवी पककर तैयार हो चुकी है और अब इसमें हम टिंडे डालेंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे। टिंडे के ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो गया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the 5 मिनट के लिए इसे ढक के रखेंगे और थोड़ी देर तक इसे पकने देंगे। और ये देखिए हमारे टिंडे बनकर हैं तैयार। बहुत कम यहाँ पर थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, इससे इनका बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप कम ही डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें। गैस को हम बंद कर देंगे और धनिए से इसे गार्निश करेंगे। धनिए को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। एक बार आप भी इसे जरूर बनाएं मेरे तरीके से, सभी को अच्छी लगेगी, बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आप ये मेरी टिंडे की सब्जी मेरी तरीके से ज़रूर बनाएं, खाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।